आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे जो रेलवे एलपी परीक्षा का जो का रिवाइज रिजल्ट आया था, इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको जोन वाइज रिजल्ट, कितने परसेंट कितने लोगों का सिलेक्शन किस जोन में हुआ है और कितने ज्यादा बच्चों का मतलब वहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन हुआ है कि कितने परसेंटेज इस मतलब कि अदर जोन में, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, मान लीजिए कि कितना परसेंट मतलब कि कितने गुना बच्चों का सिलेक्शन किस स्टेट में किस राज्य में हुआ है। ओके दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपके सामने रेलवे की पल पल की खबर आपके सामने लेके आया करूँगा, नई नई वैकेंसीज और सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की भी आपको नोटिफिकेशन इस पर मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे जोन वाइज रिजल्ट आप लोग को बताता हूँ कि किस जोन में कितना परसेंट कितना सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद में टोटल वैकेंसी 7,500 के ऊपर थी। पिछली बार 83,000 का सिलेक्शन हुआ था, रिवाइज रिजल्ट इसका 1,97,000, लगभग 22.5 गुना बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है आरआरबी इलाहाबाद में। 22.5 गुना, 15% बच्चों का सिलेक्शन हर उसमें बोला गया था कि आरआरबी में 15% का सिलेक्शन लगेंगे, लेकिन इसमें आप लोग का 22.5 गुना बच्चों का सिलेक्शन लिया गया है। अगले आते हैं हम लोग आरआरबी अहमदाबाद। आरआरबी अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी हमारे पास थी 2,227 वैकेंसी, टोटल सिलेक्शन इसमें हुए 17,918 बच्चों का इसमें, जिसमें कि 14.5% सीट्स इसमें आप लोग की सीट्स एक सीट के लिए लिया गया है 14.5% बच्चों को, मतलब कि आप देख सकते हैं 1,250 वैकेंसी में 18,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सो फ्रेंड्स आगे देखिए आरआरबी कोलकाता में टोटल वैकेंसी आपकी है 5,500 लगभग, टोटल सिलेक्शन आपका हुआ है यहाँ पे 67,577, जिसमें 12.5% यहाँ पे 12.5% मतलब कि 12.5 गुना बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन इसमें हुआ है, मतलब एक सीट के लिए लेके आप लोग 12.5% बच्चों का एक्स्ट्रा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। आगे देखते हैं आरआरबी पटना का। आरआरबी पटना में आपकी टोटल वैकेंसी है 1,283, जिसमें कि सिलेक्शन टोटल ओवरऑल हुए हैं 19,386, जिसमें 15.5 गुना बच्चों का सिलेक्शन इसमें ज़्यादा हुआ है इस जोन में। अगले जोन देखते हैं हम लोग यहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 4,476, जिसमें टोटल सिलेक्शन आपका हुआ है 81,293, जिसमें 18 गुना ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एक सीट के लिए लेके आप लोग देख सकते हैं। जो आगे बढ़ते हैं अगली सीट्स के लिए आरआरबी रांची में यहाँ पे टोटल वैकेंसी है आपकी 3,000 में से यहाँ टोटल सिलेक्शन हुए हैं लगभग 80,000 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ आरआरबी रांची में, जिसमें कि मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ 26.5% ज़्यादा मतलब लगभग आप मान लीजिए 27 गुना बच्चों का यहाँ पे एक सीट के लिए सिलेक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर में टोटल वैकेंसी है 1,139 और टोटल सिलेक्शन हुए हैं 15,964, जिसमें कि 14 गुना ज़्यादा बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। ऐसे आगे और भी स्टेट्स का देखते हैं, जैसे आरआरबी आपका गुवाहाटी का हो गया। गुवाहाटी में आपकी टोटल वैकेंसी है 1,215, टोटल सिलेक्शन आपका हुए हैं यहाँ पे 23,675, जिसमें कि 20 गुना लगभग समझ सकते हैं आप 19.5% गुना बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है आरआरबी गुवाहाटी में। अगला आपका आता है आरआरबी सिलीगुड़ी जोन, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 875, टोटल सिलेक्शन हुए 9,331, जिसमें कि मतलब लगभग 10.6% बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एक सीट के लिए। आगे लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे आरआरबी सिकंदराबाद जोन के लिए, तो इसमें देख सकते हैं आप टोटल वैकेंसी है 5,940, जिसमें टोटल सिलेक्शन हुआ है 1,48,030 बच्चों का, जिसमें 25% आप लोग देख सकते हैं 25 गुना बच्चों का इसमें आप लोग का सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। आगे आते हैं हम लोग आरआरबी अजमेर पे। अजमेर में आप लोग टोटल वैकेंसी है 3,000, जिसमें कि सिलेक्शन हुए हैं आप लोग के 87,170, जिसमें 29% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 29% बच्चों का नहीं, मतलब एक सीट के लिए आपके 29 गुना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है।
समझ रहे हैं ना दोस्तों, जैसे आप लोग 3,000 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 87,170 है, मतलब 29%, मतलब कि एक सीट के लिए 29 गुना बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। समझ रहे हैं, परसेंटेज मतलब कि आप लोग गुने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं आरआरबी मालदा, टोटल वैकेंसी है आपके 1850, जिसमें सिलेक्शन हुआ है 23,338 बच्चों का, जिसमें 12.5 गुना बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। आरआरबी आ गया है त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रम, तो फ्रेंड्स इसमें स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिए, मतलब त्रिवेंद्रपुरम का है ये। टोटल वैकेंसी आपकी 608 है, जिसमें टोटल सिलेक्शन 14,125 वैकेंसी सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें 23.5 गुना बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। आगे आप देख सकते हैं आरआरबी बेंगलोर का, जिसमें टोटल वैकेंसी 3,470 है दोस्तों, इसका अभी तक सिलेक्शन अपडेट नहीं हुआ है। आप लोग इसके सिलेक्शन देखने के लिए आप लोग दोस्तों, इसके लिए आप लोग विजिट वेबसाइट को आप लोग रेगुलर आप लोग विजिट करते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसकी वेबसाइट आप लोग ऑन देखते रहिएगा कि मतलब क्या होता है, मतलब कि इसकी वेबसाइट में क्या है। ओके दोस्तों, तो आगे देखिए आरआरबी चेन्नई पे आ जाए, चेन्नई जोन पे आ गए हम लोग। टोटल वैकेंसी है 3,800, जिसमें कि टोटल सिलेक्शन आपका हो रखा है 63,109 का, जिसमें 16.6% स्टूडेंट्स का आपका सिलेक्शन हो रखा है। आगे हम बात करते हैं आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर जोन का, जिसमें टोटल वैकेंसी है आप लोग की 960, इसमें टोटल सिलेक्शन हुए हैं 10,838, जिसमें 11.5% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप लोग का देख सकते, आगे देखिए आरआरबी गोरखपुर, भोपाल, बिलासपुर और मुंबई में। दोस्तों आप लोग इनकी वेबसाइट्स को आप लोग रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है इनकी वेबसाइट पे। सो फ्रेंड्स, आप इन लोग की वेबसाइट्स पे, जो लोग गोरखपुर, भोपाल या बिलासपुर या मुंबई साइट्स के हैं, वो लोग आप लोग इनकी वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करते रहिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो, सो फ्रेंड्स आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।